अक्सर ही जो पूरी दुनिया की सब तो पावरफुल करंसी की गल आती है तो साढ़े दिमाग के ब्रिटिश पाउंड या यूएस डॉलर का ही ख्याल आता है। पर इतने मैं तुम्हें जो दुनिया की सब तो महंगी करंसियां बारे दसन जा रहा हाँ, उन्होंने सामने ब्रिटिश पाउंड के डॉलर की कीमत भी बहुत घट है। इतने तुम्हें यह भी दस दें कि यूएस डॉलर एक अजि करंसी है जी अज के टाइम दुनिया के 94% देशों के वरती जाती है। इस दुनिया के ज़्यादातर देश अपना कोई भी काम या बिजनेस के लैन देन के ज़्यादातर यूएस डॉलर वरतन प्रेफरेंस देंगे। पर अज के टाइम 2020 कई अजिहियां करंसियां ने जिहड़ियां ब्रिटिश पाउंड ते यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई लैवल उपर हन। यह करंसियां तुहानू ज़्यादातर देखण नू मिलणगे अरब के देशों के जिन्हां कोल पेट्रोलियम ते गैस के भंडार हन। सो अजिहियां ही 10 हाई वैल्यू करंसियां के बारे जानने लई जुड़े रहो। मेरा नाम मैं तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह ते तुसीं देख रहे हो चो टीवी। जेकर तुसीं साडे YouTube चैनल ते पहली बार आए तो इसे सबसक्राइब करन दे नाल नाल बैल आइकॉन जरूर दबा देना तां जो हर तुहानूं साडी नवीं वीडियो बारे नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं इदां नॉलेज वाली वीडियो ही अपलोड करता रहिंदा हाँ। नंबर 10 के उत्ते है जी यूएस डॉलर। इस दे विच कोई भी शक नहीं कि यह भी एक हाई वैल्यू करंसी है। यह करंसी दुनिया के ज़्यादातर देशों के चलती है। जेकर तुसी दुनिया के ज़्यादातर किसी भी देश के जाने हो तुहाडे कोल यूएस डॉलर है तो तुहानू लैन देन दे विच कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अमेरिका ने पिछले कुछ समय के अपना स्टेटस इन्ना हाई कर लिया है कि हुण कोई भी देश इन्हां दी करंसी लैन तो ना नहीं करता। यूएस डॉलर दुनिया की सब तो ज़्यादा सेफ यानी कि सुरक्षित करंसी मनिया जाता है। दुनिया के 98% देश अजिहे ने जिहड़े किसी भी देश नाल व्यापार दे विच लैण देण करन दे लई यूएस डॉलर नूं ही वरतदे ने। इसे कारण ही यूएस डॉलर मार्केट दे विच हमेशा डिमांड दे विच बनिया रहिंदा है। अज दे टाइम एक यूएस डॉलर इंडिया दे 73 रुपये दे बराबर है। नंबर 9 ते जो हाई वैल्यू करंसी आउंदी है वह है जी स्विस फ्रैंक। यह स्विट्जरलैंड की करंसी है तो यह करंसी डॉलर के मुकाबले थोड़ी उपर रहती है। स्विट्जरलैंड वैसे तो दुनिया के घूमन फिरन के लिए बहुत पसंद किए जाने वाला देश है तो यह एक बहुत ही कमाल का डिवेलप देश है। इसकी डिवेलपमेंट इसकी करंसी को देख के ही नज़र आती है। अज के दिन एक स्विस फ्रैंक के इंडिया के 74.86 रुपये बनते हैं। इसलिए जेकर तुसीं इस देश के घूमन आना चाहते हो तो तुहाडा बजट काफ़ी हाई होना चाहिए है। यूरोप के देशों के पाउंड के नाल नाल स्विस फ्रैंक को भी बिजनेस के वरत्या जाता है। नंबर 8 के उत्ते नाम आता ही यूरो का। यूरोप के वसे हुए ज़्यादातर देशों की करंसी यूरो ही है। यूरो किसी एक देश की ऑफिशियल करंसी नहीं है, बल्कि यूरोपियन यूनियन वालों लागू की गई कमाल की हाई वैल्यूएबल करंसी है। अज के दिन 19 अजिहे देश ने जिहड़े ऑफिशियल तौर पर यूरो करंसी वरतते हैं। इस तो बिना 5 यूरोप के अजिहे देश भी हैं जिथे ये करंसी ऑफिशियली तो नहीं मनिया जाता, पर यह करंसी उन्होंने देशों के भी वरत्या जाता है। वर्ल्ड लैवल पर देखा जाए तो यूरो का रुतबा काफ़ी हाई लैवल पर है। अज के दिन एक यूरो दे इंडिया के 78.74 रुपये बनते हैं। नंबर 7 के उत्ते है जी केमैन आईलैंड डॉलर। असल दे विच कहा जावे तां इह एक ब्रिटिश ओवरसीज टैरिटरी है, पर इत्थों दी करंसी दी वैल्यू पूरी दुनिया दी हाई लैवल दीआं करंसियां दे विच बनी रहिंदी है। यह वैसटर्न कैरेबियन सी दे कोल इक छोटा जिहा आईलैंड नेशन है, पर यह बहुत सोहना आईलैंड है ते इत्थे हर साल करोड़ां लोक घूमण लई आउंदे हन। अज दे दिन केमैन डॉलर की कीमत इंडिया के 85.12 रुपये के बराबर है। नंबर 6 के उत्ते हाई लैवल दीआं करंसियां दे विच नाम आउंदा है जी गिब्राल्टर पाउंड दा। अपने विचों अद्धे लोग तां अजिहे होणगे जिन्हां ने कदे भी इस देश दा नाम नहीं सुणिया होवेगा ते ना ही इस करंसी दा नाम सुणिया होवेगा। असल दे विच इह भी एक ब्रिटिश ओवरसी टैरिटरी है। यह एक छोटा जिहा देश है जिसका एरिया सिर्फ 6.7 किलोमीटर है। बहुत छोटा अते सोहना होण दे कारण यह देश काफ़ी तरक्की कर रहा है। इत्थों दा एक गिब्राल्टर पाउंड इंडिया के 88 रुपये के बराबर है। नंबर 5 ते हाई लैवल दीआं करंसियां दे विच नाम आउंदा है ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड दा। तुहाडे विचों बहुत ज़्यादा तां इंतजार कर रहे होणगे कि ब्रिटिश पाउंड इह लिस्ट दे विच किहड़ी जगह ते आउंदा है। इक अजिहा टाइम भी सी जदों ब्रिटिश पाउंड दी वैल्यू पूरी दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा हाई लैवल दे उपर सी, पर अज दे दिन समां बीतण दे नाल नाल पाउंड दी वैल्यू काफ़ी थल्ले आ गई है। ते अज भी अजिहे हालात हन कि आउण वाले समें दे विच पाउंड दी वैल्यू इस तों भी थल्ले जा सकदी है। यूके दे विच अज दे दिन पाउंड स्टर्लिंग करंसी चलदी है। यूके सुणदे ही ज़्यादातर लोग सोच लेंदे हन कि इह इंग्लैंड है, पर असल दे विच यूके दे विच 4 देश आउंदे हन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स ते नॉर्थन आयरलैंड। ये 4 देशां नूं मिला के बनता है यूके। अज दे दिन यूके दे एक पाउंड दी कीमत इंडिया दे तकरीबन 88.87 रुपये दे बराबर है। यूके दे पाउंड नूं पूरी दुनिया दे विच फेमस ते सेफ करंसी मनिया जांदा है। ते यूके दे पाउंड नूं तुसीं ज़्यादातर दुनिया दे किसी भी देश दे विच लैण देण लई वरत सकदे हो।
नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋਰਡੀਅਨ ਦਿਨਾਰ। ਇਹ ਜੋਰਡਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋਰਡਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜੋਰਡੀਅਨ ਦਿਨਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। नंबर 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਓਮਾਨੀ ਰਿਆਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦਿਸ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਓਮਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਮਾਨੀ ਰਿਆਲ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਹੈ 184 ਰੁਪਏ। ਜੇਕਰ ਓਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 25ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। नंबर 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹਿਰੀਨ ਦਿਨਾਰ। ਇਹ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਡਰਨ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਕਾਫੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਜਿਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਤਬਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹਿਰੀਨੀ ਦਿਨਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 190 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। नंबर 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ। ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁਵੈਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕਰੰਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੀ 234 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 2,34,00,000 ਰੁਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਦਿਨਾਰ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਰੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਿਨ-ਪੋ-ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ 10 ਕਰੰਸੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।